गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पहाड़ी गुरुजी में। जैसा कि आपको पता है, हमारे इस चैनल पर एक्सेल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट ट्रिक और टिप्स बताई जाती हैं और एक्सेल के इम्पोर्टेंट फॉर्मूले भी बताए जाते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि ईएमआई कैलकुलेटर, तो ईएमआई कैलकुलेटर में हमने ईएमआई कैसे निकाली थी वो आपको ध्यान होगा। चलो एक बार हम फिर से ईएमआई कैलकुलेट करके दिखाएंगे। तो जैसे कि हमने कार लोन के लिए 3 लाख रुपए का अमाउंट लिया था और 60 महीने के लिए हमने लिया था और इंटरेस्ट इसमें था 8.8 और हमारी ईएमआई आई 6,198 रुपये। तो ये कैसे आई इसको मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा आपको। एक सिंपल सी ट्रिक है, तो सिंपल सी ट्रिक फॉर्मूला आप डिस्प्ले में फॉर्मूला बार में देख रहे होंगे, लेकिन मैं फिर से आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है पीएमटी फॉर्मूला। तो पीएमटी फॉर्मूला कैसे लगता है आज मैं लगा के दिखाऊंगा। इजिकल टू पीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें सबसे पहले कह रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट रेट क्या था हमारा 8.80, तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 12 से। उसके बाद हम क्या लेंगे इसमें कॉमा, कितने टाइम के लिए लिया था 60 मंथ के लिए, कॉमा इस पर हम लगाएंगे प्रिंसिपल अमाउंट, इसको हम क्या करेंगे माइनस के साथ लगाएंगे, कॉमा माइनस ये प्रिंसिपल अमाउंट और ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखिए, ये हमारी ईएमआई जो है कैलकुलेट हो गई है। अब हमें देखना है कि जो ईएमआई पड़ती, हमें ईएमआई जो होती है दो पार्ट में होती है, एक क्या होता है इंटरेस्ट, दूसरा वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल। तो ये कैसे आया ये करके दिखाया मैंने, तो आज हम इसको भी करके दिखाएंगे आपको। तो इसके लिए इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वैल्यू के लिए एक फॉर्मूला है, तो इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। तो कैसे करेंगे, इजिकल टू इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे IPMT। IPMT सेलेक्ट किया, उसके बाद सबसे पहले हम क्या सेलेक्ट करते हैं इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जो था हमारा 8.8 था, ये इसको हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 12 करते हैं क्योंकि साल भर के लिए कैलकुलेट होता है। उसके बाद कॉमा, उसके बाद कितने जिस मंथ के लिए हमें ईएमआई निकालनी है उस मंथ को सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा कितना पीरियड था हमारा, ये हमारा टाइम पीरियड को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा माइनस प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने इंटरेस्ट जो लिया था लोन, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। तो हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया 2200 रुपये। इसी प्रकार हम इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है PPMT। वही चीज़ें हम इस पर दोबारा से रिपीट करेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 12, कॉमा मंथ सेलेक्ट करेंगे पर मंथ के लिए, कॉमा किस पे टाइम पीरियड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमारा क्या है कॉमा प्रिंस माइनस टोटल अमाउंट जो हमने लोन अमाउंट लिया था, ब्रैकेट क्लोज और इसको इंटर कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया एक मंथ की ईएमआई आ गई। इसको हम जोड़ के भी देख लेते हैं, सम करेंगे तो हम सम करने के बाद भी हमें आइडिया आ जाएगा। तो कितना था ये अमाउंट और ये अमाउंट मैच कर रहा है। तो इसी तरह से हम हर महीने की ईएमआई निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब क्या करेंगे, अब हम इसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने से पहले क्या करेंगे, हम इसके सेल को जो है लॉक कर देंगे। सेल को लॉक करने के लिए क्या करेंगे F4 प्रेस करेंगे, उसके बाद ये तो हमारा सेल अप डाउन होते रहेगा तो इस सेल को भी हम लॉक करेंगे। एक
इस सेल को भी हम F4 से लॉक करेंगे और प्रिंसिपल अमाउंट के को भी हम लॉक कर देंगे F4 दबा के और इसको इंटर कर देंगे। तो ये क्या होगा, हम इसे ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने से हमारा क्या होगा, सारे सेलों में हमारा डेटा फिल हो जाएगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट में भी लॉक करेंगे, इसको भी F4 से लॉक कर देंगे। उसके बाद ये सेल को छोड़ देंगे क्योंकि हमें डेटा फिल करना है, तो इसको लॉक करा। उसके बाद इस अमाउंट को भी लॉक कर देंगे और इंटर करेंगे और इसको ड्रैग कर देंगे। तो ये देखिए हमारे जो है हर महीने की EMI जो है कैलकुलेट हो चुकी है, किस मंथ में कितनी EMI, यानी कि EMI तो हमारी 6,198 पड़ रही है, लेकिन जो इसमें इंटरेस्ट रेट है और प्रिंसिपल वैल्यू है ये अलग अलग कैलकुलेट हो रही है। तो इनका यदि हम टोटल निकालेंगे तो EMI के बराबर होगा। तो आज की वीडियो में आपको कुछ समझ आया होगा कि EMI कैलकुलेट कैसे की जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए बाय बाय।